अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको दोस्त मलिक आशिफ और आप देख रहे हैं मलिक आशिफ बर्ड्स। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बर्ड्स की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहे, तो भाई आज आप इस वीडियो को भी देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो भाई आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो पे है कि भाई जिनके पास रिंग नेक है, उन्होंने ब्रीड नहीं की, अंडे आए, अंडे अनफर्टाइल आए, बच्चे मर गए हैं उसके अंदर, अंडे में ही, या तो अंडा ले हुआ, अंडे के अंदर बच्चा ही नहीं बना, मतलब अनफर्टाइल अंडे आए। तो भाई इसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई वीडियो आज की जो है ना, 3 से 4-5 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि मैं टीचिंग का काम करते हूँ, तो आजकल जो है ना टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको समझाते हैं। तो भाई आप लोगों ने करना क्या भाई, अगर तो आपके पास मेल ने क्रॉस किया मगर अंडा अनफर्टाइल आया है, डेड इन शेल आया, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी वो भी बताता हूँ। या अगर तो भाई आपके पास पैर है, फीमेल रेडी थी मगर मेल ने ऊपर चढ़ के क्रॉस नहीं किया, ठीक है, मेल साइड पे बैठ के वो मस्तियाँ कर रहा था मगर फीमेल ने अंडे खाली ले कर दिए, तो भाई मैं आपको ये बोलूँगा, ऐसे मेल को आप चेंज कर दो, ऐसे पैर को आप तोड़ दो जो मेल ऊपर चढ़ के क्रॉस नहीं कर सकता। क्योंकि भाई बचपन से जब वो अडल्ट होता है तब हम फीमेल तो देते नहीं है, क्योंकि उसको गंदी आदत पड़ जाती है, स्टिक के साथ या वो केज के साथ क्रॉस करता रहता है, तो ऐसे मेल जो होते हैं ना वो बहुत कम जो है ना वो फीमेल के ऊपर क्रॉस करते हैं। और माशाल्लाह से ये हमारी राह के पैर फीडबैक चेंज कर रहा है, तो भाई मैं आपको यही बोलूँगा, ऐसे पैर को आप चेंज कर दो, मेल को आप हटा दो। तो भाई एक आपको और बात बता दे, जो आपके पास अंडे ख़राब आए, मेल ने ऊपर चढ़ के क्रॉस किया है, ठीक है, फिर भी अंडे ख़राब आए, तो भाई वजह क्या बनी मैं आपको बताता हूँ। आपने ऐसे पैर को चेंज नहीं करना, ऐसे पैर को आपने तोड़ना नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत किस तरह करनी भाई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी सीज़न ख़त्म हो गया, ठीक है, गर्मियाँ आ गई हैं, सीज़न ख़त्म हो गया, हम अभी इनसे ब्रीड नहीं ले सकते भाई हमें इन दिनों में क्या करते हैं, आउट सीज़न इनको बोलते हैं भाई। इन दिनों में आपने इनको क्या करना है, सब्ज़ी का इस्तेमाल करवाना है, फल फ्रूट का इस्तेमाल करवाना है, सेब का इस्तेमाल करवाना है। सेब में क्या हो भाई, उसमें बीज नहीं होना चाहिए, सेब में वो निकाल के देना है। सब्ज़ी जो भी सीज़न में मिलती है गर्मी में वो आपने भाई इस्तेमाल करवानी है। तो हो सके तो भाई किसी खुले केज में आप इनको छोड़ें, इनका भाई ब्लड एंड लाइन ठीक रहे, इनकी जो है ना फ्लाइंग ये ठीक हो, ब्लाइंड लाइन तब ये कमज़ोर होती जब इनको हम फ्लाइंग नहीं देते, छोटे से केज में हम इनको रख लेते हैं, तो इसी वजह से परिंदे जो होते हैं ना वो कमज़ोर होता है। तो भाई यही 3-4 बातें पे आप इनको अमल करें, इंशाल्लाह आपका पेयर जो है ना नेक्स्ट साल आपके पास ब्रीड करेगा। अगर तो अनफर्टाइल आए, तो पहले भी बोला है सब्ज़ी फल फ्रूट कोई बड़ा सा केज दे दें इनको जिसमें ये फ्लाइंग करें, या तो आपने उसके पर काटे हो तो भाई वो खींच दें, इंशाल्लाह 1-2 महीने के बाद जो है ना पर उसके आ जाएंगे, तो ऐसे एक कलोनी सी बना ले, उसके अंदर अपने पेयर को छोड़ें, उसकी जो है वर्जिश हो और उसकी जो है ना ब्लड लाइन वो अच्छी हो, तभी भाई आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अभी माशाल्लाह से इसकी दूसरी बार ये इसने क्लास किया हुआ है। तो ओके फ्रेंड, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि 3 से 4 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ओके फ्रेंड, तो यही थी हमारी आज की वीडियो, भाई थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड आएगी। क्यों अब्दुलरहमान, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, क्योंकि भाई छोटे जो केज में ना बहुत मुश्किल से ब्रीड करते हैं, करेंगे तो भाई ज़्यादातर डेड एंड शेल और अनफर्टाइल ही आएंगे। बड़ा केज दें, सब्ज़ी फल फ्रूट का इस्तेमाल करवाएं, कैल्शियम का इस्तेमाल करवाएं, वो अब्दुलरहमान का काम जाया करें। जब सीज़न शुरू होता है तो भाई इंशाल्लाह सीज़न जब शुरू होगा तो म्यालक का कोर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, म्यालक लेकर आऊंगा, अगर आपको चाहिए तो भाई आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह आपको कार्गो मिलेगा। क्योंकि म्यालक जो होता है ना वो मल्टी विटामिन है, जिसमें क्या होता है, एक तो भाई 3 किस्म की वो मेडिसिन होती है, एक होती है क्रॉस कराने वाली, दूसरी होती है अंडों की तादाद बढ़ाने वाली, और तीसरी जो होती है, अंडे की तादाद बढ़ाने वाली, और तीसरी जो होती है ना वो डेड एंड शेल को ख़त्म करती है, मतलब 5 अंडे हैं, 5 बच्चे निकलेंगे। दुआओं में याद ना अल्लाह हाफिज़।